लड़की को की कोई पसंद है। और रागिनी, ये चाचा जी के नाम से है, तुम ये उनको दे दो और उनके पास बैठ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी, और तुम्हारा दिमाग इन सब फालतू की बातों से अपने आप हट जाएगा। ठीक है, जाओ। बाबूजी को भी डॉक्टर की मौत के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। बाबूजी, कब से आप यही किताब है पढ़ रहे हैं? अभी आपके लिए देख रहे हैं कहाँ आया है, हमारा लैपटॉप किधर है। आपके लिए कुछ आया है बाबूजी, चलिए साथ में बैठ के देखते हैं, ठीक है? लगता है अंदर सीडी है। बाबूजी, हम भी लाइट पार्ट चलाना सीख लिए हैं। हेलो, हाँ वो तुम काकी को लेके आ गई का? हेलो, एक तो ससुरा नेटवर्क, बाबूजी हम बात करके आते हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ चित्रा, हम ये कह रहे हैं वो काकी को लेके तुम आए कि नहीं आए अभी तक? विकराल जी, रागिनी जी, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने होटल के वेटर से कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये DVD पुलिस तक नहीं आप तक पहुंचा दे। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मुझे विश्वेश सिंह यानी विशु से जान का खतरा है। मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि जो आपके घर में विशु बनकर रह रहा है वो विशु नहीं शेखर है। उसने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराकर विशु बन गया है। शेखर की सर्जरी मैंने ही की थी, इसलिए इस पाप का बराबर का भागीदार मैं भी हूँ। ये सारा ड्रामा उसने सृष्टि को पाने के लिए किया है। अब सृष्टि उसका जुनून बन चुकी है, वो सृष्टि को पाने के लिए किसी को भी मार सकता है, मुझे भी और आपको भी। मुझे लग ही रहा था कि डॉक्टर ऐसा ही कुछ करके जाएगा। अब तो तू जान ही गया होगा कि तुझे कौन मारना चाहता है, याद है ना? पटना के हॉस्पिटल में तूने मुझे देख लिया था अपने एक्सीडेंट से पहले। सॉरी, मुझे एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए, बताए क्यों? क्योंकि वो तो मैंने करवाया था। तेरा चैप्टर तो सबसे पहले मैं क्लोज करवाना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तू मेरा पर्दाफाश कर देगा। लेकिन ये तेरी धड़कनें तेरा साथ छोड़ती ही नहीं। कोई बात नहीं, जल्दी तेरा नंबर लगने वाला है। हमें ये बात घर में किसी को बताना होगा, लेकिन कैसे? घर में इतना बड़ा संकट है और हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे बताएं? हाँ आप आ जाइए, उसके बाद जो है हम दोनों बैठ के जो है पंचायत करेंगे, ठीक है? हाँ रखते हैं। कुछ काम वाम नहीं है और बस यही ना करते हुए कुछ देख लेगा। अरे ये भी तो काम है, इसमें और काम में क्या फर्क है? अरे वाह, ये तो तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, देखे तो जरा। अच्छा काहे नहीं करे हम, ये जो है ना हमारे पास लाइसेंस है आपसे प्यार करने का, समझे? अच्छा जी, तो ठीक है फिर, आज इस लाइसेंस को काम में ले आते हैं फिर। ऐसा बात है, तो अगर कोई देखता है तो देखने दो, देखने दो, देखने दो,
देखेंगे। मैं जो नहीं मैडम जी देखने नहीं ना, अरे कोई देख लेगा तो क्या हुआ? नहीं 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 अच्छी तो कोई बात नहीं। छोटा सा तुम्हारा साड़ी कितना सुंदर है सृष्टि, तुम्हारी साड़ी भी कितनी सुंदर है, इसका कलर कितना अच्छा है और इसे पहनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी। अरे बाप रे, ये गोटा देखो कितना सुंदर है तुम्हारी साड़ी का, गोल्डन कलर का, दम लल्लन टाप, तुम ना एकदम रानी लगोगी, रानी बताए दे रहे हैं। अनुराग भैया, इन दोनों का जो साड़ी है ना एक जैसा है। हाँ साड़ी तो मिलती जुलती है लेकिन दोनों हड़बड़ाहट में कितनी क्यूट लगती है। तैयार नहीं होना है वो, तैयार होना है ना। हाँ हाँ हम तो भूल ही गए थे, हम भी जा रहे हैं, माँ ने कहा था ना कि 2 बजे तक तैयार होकर आना है, तो चलते हैं। अरे अरे एक मिनट क्या आपका कमरा इधर है? अगर आपका कमरा उधर। अरे शॉर्टकट वाले रास्ते से जा। हाँ एक शॉर्टकट यहाँ से भी है। इतना काम है घर में, बाहर से निकल गया सिर्फ। क्या बात है बेजू, तुमने तो बिना बर्फी के ही मुंह मीठा कर लिया। नहीं भैया बर्फी आप खाइए, हम थोड़ा मीठा से परहेज करते हैं। अच्छा तो चलो फिर थोड़ी बर्फी खा ले। एक मिनट आप इधर जाइए हम उधर जाएंगे। हमारी बर्फी यहाँ मेरी बर्फी हो है ना। तक तेरी डीवीडी तो देखना ही भूल गए। अरे यार कहाँ फंस गया? देखिए ना बाबूजी, चल ही नहीं रहा है। अरे देवर जी आप यहाँ? अरे भाभी आप वो है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बाबूजी है ना परेशान लग रहे थे और इनकी नजर है ना इस लैपटॉप पर टिकी हुई थी। अरे हाँ हम डीवीडी लगा के गए थे, इसमें कहाँ हो गया? हाँ वही डीवीडी मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ अटक गई। एक तो पता नहीं कहाँ भरा है इसमें, हुआ है नाम लिख के बस डीवीडी देखे गए, दिखाओ हमें कैसे अटक गया। पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ये तो चालू है, ये डीवीडी कहाँ है, नहीं चल रही लगता है कुछ। अब बेटा जी देख लेगी तो सब समझ जाएगी। अरे ये तो खराब है, ये कैसे चलेगा? हाँ भाभी देखिए ना इस पे तो सारे स्क्रैच लगे हैं, ये तो नहीं चल पाएगा। आप एक काम कीजिए ना, ये जो देने आया था ना उससे दोबारा मंगवा लीजिए। अरे अभी तो बताया जो आया था वो लिफाफा लेके आया था, उसमें सिर्फ हमारे बाबूजी का नाम लिखा है, तो अब हम उसको कैसे कांटेक्ट करें? हाँ एक को काम हो सकता है हाँ कि हम जो है। अब हाँ? भाभी छोड़िए ना, पूजा का वक्त हो रहा है, मैं नीचे जाता हूँ, आप भी जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, इसे छोड़ दीजिए। हाँ पूजा के लिए हमें भी तैयार होना, हम अभी आते हैं। पता नहीं क्या हुआ अभी तो, पर समझे में नहीं आ रहा इसको हुआ का बाबूजी, अभी तो हम स्टार्ट करके गए थे। पर ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया, ये तो नहीं चलेगा। बाबूजी कहाँ हो गया आपको? ठीक तो है आप कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ हुआ है? ठीक है ना बाबूजी? डरा देते हैं बाबूजी आप।
यही हम लगाएंगे। आईना चल बता है भाई, इनसे भी कोई सुंदर है का दुनिया में? नहीं कोई नहीं। शाबाश बढ़िया है। ऐसी हम बताते रहो, तुमको हम एकदम सोने से मंदवा देंगे। अच्छा, इस आईने पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मैडम जी आपने सुना नहीं, आईने ने बोला ना कि हम बहुत सुंदर हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। आप अपने बारे में पूछ रहे थे? तो आपके बारे में थोड़ी ना पूछेंगे, हम अपने बारे में पूछेंगे। आपके बारे में तो हम जानते हैं। वैसे आईने ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। हमारे हस्बैंड से ज्यादा कोई हैंडसम और प्यारा है ही नहीं। मैडम जी आपने हमको टीका लगाया ना, हम भी आपको टीका लगाएंगे। एक बात बताइए, आप हमें काला टीका कैसे लगाएंगे बताइए? ऐसे आप इतना सुंदर दिख रही हैं ना, अभी हमको कहा बताएं, कोई और दिखेगा तो चलेगा। जले तो जले, हमें क्या, हमें तो बस आपकी नजरों में बसना है। बाबूजी लग रहे हैं ना हम ललंटा। मिस्टर जी बताइए ना हम कैसे लग रहे हैं? तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो कि अब कोई बात नहीं, अब बाबूजी सिर्फ मेरे ससुर जी थोड़े ना रहे, अब बाबूजी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। क्यों बाबूजी? बाबूजी आप ठीक है ना? मिस्टर जी पता नहीं सवेरे से बहुत परेशान लग रहे हैं बाबूजी, हमें क्या बात है कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। क्या हुआ बाबूजी? मैं समझ गया हूँ कि बाबूजी क्या कहना चाहते हैं। क्या समझे मिस्टर जी, हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या समझे क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? अरे इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी पूजा है, बाबूजी हम दोनों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, है ना बाबूजी? बाबूजी हम तो आपके बच्चे हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एकदम आराम कीजिए, बिल्कुल ठीक हैं आप। का यही बात है ना बाबूजी? हम कैसे समझाएं बेटा जी आप लोगों को कि विशु विशु नहीं शेखर है। बाबूजी आपको याद है बचपन में कैसे हम आपका आपका गुस्सा आपका प्यार बिना बोले समझ जाते थे, अब भी समझ जाएंगे आप, अब इशारा दीजिए हमें बस हम समझ जाएंगे। हाँ बाबूजी, अब रागिनी बाबूजी को अकेला छोड़ के जाने को मन मेरा भी नहीं कर रहा है, चलो ना बाबूजी को साथ ही ले चलते हैं। ये बहुत बढ़िया आइडिया है, बाबूजी को साथ ले चलते हैं। अरे भैया भाभी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजा का वक्त हो गया है, माँ आप दोनों को ढूंढ रही है। हाँ बाबूजी को लेके बस हम जा ही रहे। अब मैं लेकर चला जाऊंगा बाबूजी को,
अब दोनों चलिए। हाँ आप एक काम कीजिए, आप यही बाबूजी को, बाबूजी मिस्टर जी चलिए। ठीक, तुम लेके आओ। क्या बे बुड्ढे, बहुत बड़बड़ा रहा है तू, क्या प्रॉब्लम क्या तेरी? अच्छा कुछ कुछ बोलना चाह रहा है क्या? बोल, मैं सुन रहा हूँ, बोल। अरे बुड्ढे उम्र हो गई है तेरी, क्या कर रहा है? अबे बोलना, क्या पकना चाह रहा है? बस एक चीज का ख्याल रखियो, मेरी पहचान के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो क्या है ना, क्योंकि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अरे बाबूजी आपका हाथ बाहर आ गया है, एक मिनट, ये वाला भी इधर कीजिए, अब ठीक है, पूजा करने जा रहे हैं, सब अच्छा होगा। आए दुलारिया! अरे वो आ गई दोनों। कितनी सुंदर लग रही है अपनी भूरिया। देखो भूरिया, ये व्रत का एक नियम होता है, अब तुम दोनों अपने आंचल में फूल प्रसाद और नारियल का थाल रखकर ई कलश के चारों तरफ 5 बार परिक्रमा करो। ये हमारे घर की ना बहुत ही पुरानी परंपरा है, ई व्रत को हम भी किए थे और बड़की भी की थी, अब तुम दोनों की बारी है, ठीक है? जी दादी। चलो अम्मा जी, आप एक कथा शुरू कीजिए। हैं काहे कि दोनों बहुरानी का पहला जितिया है, तो आप ही से शुरुआत हो तो अच्छा है। हाँ देखो भौरिया, जितिया व्रत की एक आस्था है, भगवान जीवितवान पुत्रों पर आए सब संकट से उनकी रक्षा करते हैं, और ई व्रत विवाहित औरतें ही रखती हैं, और ई व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है। चलो बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम कथा सुनाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था, वहाँ का राजा मलय केतु था, और उस नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक विशाल पाकड़ पेड़ था, और उस पेड़ पर चलो अब कथा समाप्त हुआ, तुम लोग गाना शुरू करो। अब आप लोग शुरू कीजिए। अब देख बुड्ढे मैं क्या करता हूं। ना, तू टेंशन मत ले, तेरी बारी अभी नहीं है, आज तो सृष्टि के होने वाले बच्चे की बारी है, देख क्या करता हूं मैं, कैसे मारूंगा उसे सबके सामने। तो सब जानता है, लेकिन हाँ कुछ कर पाएगा, कोई बात नहीं, तू बिल्कुल घबरा मत, हाँ तेरी बारी आज नहीं है, फिर कभी। पूजा पूजा ओ हाथ, ओ हो हो, ऐसे जुड़ेगा नहीं जुड़ पाएगा, कोई बात नहीं, पूजा में ध्यान लगा। हाँ अम्मा जी, अब इन दोनों का जो है वो परिक्रमा कर दिया जाए। हाँ हाँ, अरे दुलरिया इन दोनों का थाल कहाँ है, कब से ना कहा था तुमको तैयार करने के लिए। पर आ गए वो ईद को तैयार करने के चक्कर में, सारा काम जो वो अधूरा रहता, जाओ ले आओ। तुम ही ना कही थी दुन्नू को तैयार करने के लिए, आम हम ले आते। माँ थाली मैं लेकर आता हूँ, जल्दी ले आओ। हाँ बेटा, पर तभी ना कहा था कि थाली भी तैयार कर देना। Thank you.
चलो अब तुम दोनों खड़े हो जाओ और अपने आंचल में ये प्रसाद ले लो। हाँ ये सृष्टि का है या आपका वाला? ये तुम्हारा। आज इस पूजा की समाप्ति के साथ साथ सृष्टि के पेट में पलने वाले बच्चे की भी समाप्ति होगी।